अगर आप लोग 82 रुपीस पर वार सोलर पैनल परचेज करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के साथ रहिएगा। स्टिकर रिप्लेसमेंट की वजह से आपको सस्ता दे रहा है, क्योंकि जो पैनल 450 वाट का या 500 वाट का है वही पैनल वो 550 वाट का दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनीप चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। आज हम बात करेंगे कि सोलर पैनल की प्राइस क्या चल रही है जून 2023 के अंदर। बहुत से लोगों का यही क्वेश्चन था कि सर कुछ लोग है वो 70 रुपये पर वाट दे रहे हैं और कुछ लोग जो से 95 और या 100 रुपये पर वाट देखने को मिल रहा है, तो हमें बताइएगा कि कौन सा सोलर पैनल परचेज करें, क्योंकि मार्केट के अंदर इस टाइम जो सी है दो नंबरी इतनी को ज़्यादा हो चुकी हुई है। चाहे कोई बिल्कुल लोकल क्वालिटी का सोलर पैनल है वो भी जो से है 90 रुपये पर वाट दे के देता जा रहा है, जितने भी डॉक्यूमेंट है या जो चीज़ें हैं वो अपनी तरफ से दिखा के लोगों को देता जा रहा है। तो लोग परेशान हैं, अवाम परेशान है, कस्टमर यही कह रहे हैं कि हमें मार्केट के जाने के बाद भी हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हम कौन सा सोलर पैनल परचेज़ करें। एक बंदा जो सा है वो 70 रुपये दिखा रहा है तो वो भी सारी चीज़ें दिखा रहा है, और दूसरा जो सा है 90 रुपये 100 रुपये पर वाट दे रहा है तो वो भी कह रहा है कि ये ओरिजिनल है, 100% सारी चीज़ें इसकी ओरिजिनल है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ओरिजिनल और होलसेल रेट, यानी कि अगर आप लोग पायलट रेट लेते हैं, यानी कि आप लोग अगर 30 पैनल से ऊपर लेते हैं तो फिर आप लोगों को एक सोलर पैनल की प्राइस क्या मिलेगी, यानी कि आप लोगों को एक सोलर के ऊपर पर वाट जो रेट है वो क्या मिलने वाला है। ये ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट वाले सोलर पैनल की प्राइस की बात कर रहा हूँ। तो आपको मैं यहाँ पर बताता जाऊँ कि अगर आप लोग जो सा सोलर पैनल परचेज करना चाहते हैं, आज की वीडियो के अंदर हम आपको 4 से 5 कंपनियों के सोलर पैनल बताऊंगा, जिसके अंदर लॉन्जी, जिनको, ट्रीना सोलर, इनवरेक्स, इसके अलावा राइजन, इनके तकरीबन दो तीन कैटेगरी के अंदर जो सोलर पैनल आते हैं उसके बारे में जो पायलट रेट है वो मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग ओरिजिनल और डॉक्यूमेंट वाले सोलर पैनल परचेज करना चाहते हैं तो इसी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कोई पॉइंट मिस ना कीजिएगा। इसका फायदा आपको यह होगा कि आप लोगों को यह आइडिया हो जाएगा कि होलसेल रेट हमें क्या मिल रहा है, तो दुकानदार किस तरह हमें जो से इसका रेट जो से कम दे रहे हैं। अगर जो लोग जो से बिल्कुल ज्यादा ही कम दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो जो से वो कॉपी है और ओरिजिनल नहीं है, वो स्टिकर रिप्लेसमेंट है, वो लार्ड शार्ट ये वो जो भी है वो हो सकता है, लेकिन वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वाला रेट नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, कुछ लोग जो से अपना कंटेनर मंगवाते हैं, अपना काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर सोलर पैनल मंगवाते हैं, वो लोग कुछ थोड़ा सा रेट उनके अंदर फ़र्क आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो सा रेट इससे मिलता जुलता ही रेट होगा। अगर बहुत ज़्यादा किसी पैनल के अंदर आपको रेट देखने को मिलता है तो उसका आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये रेट बहुत ज़्यादा कम है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो दूसरी बात, मैंने ऑलरेडी एक दो वीडियो बना चुका हूं जिसके ऊपर ओरिजिनल और कॉपी और स्टिकर रिप्लेसमेंट जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक आधी वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। जी अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले कि लॉन्जी सोलर पैनल, जो कि अगर आप लोग जो सा लॉन्जी का नाम सुन चुके हैं, आप लोगों को हर बंदे के जेहन में ये बैठ चुका हुआ है कि आप लोग जो सा सबसे अच्छी एफिशिएंसी वाली जो सी सोलर पैनल है वो लॉन्जी का है। जी बिल्कुल, ये बात परफेक्ट है। लॉन्जी ने अभी जो सा कुछ अर्सा पहले ही एक नया सोलर पैनल जो सा मुतारफ करवाया, नया सोलर पैनल मार्केट के अंदर लेकर आए हैं हाइमोसिक्स के नाम से। इस पैनल की खास बात यह है कि इसकी एफिशिएंसी दूसरे पैनल से काफ़ी अच्छी है। अगर मैं आपको बताऊं जून 2023 के अंदर लॉन्जी का जो हाइमो 5 का सोलर पैनल है, इसकी अगर ओरिजिनल होलसेल की प्राइस अगर मैं आपको बताता हूं तो ये तकरीबन आपको 87 रुपीस पर वाट देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर एक पायलट रेट लेते हैं तो फिर आपको ये रेट मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग जो से 1, 2, 3, 5, 10 पैनल भी परचेज करते हैं तो मार्केट के अंदर रिटेल में आपको ये 90 रुपये से ऊपर ही रेट देखने को मिलेगा। जो लोग आपको समझ लें कि 70 रुपये पर वाट दे रहे हैं तो आप लोग कैसे ये देख सकते हैं कि वो कैसे जजमेंट कर सकते हैं कि ये ओरिजिनल हो सकता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अगर वो ओरिजिनल हुआ तो वो हो सकता है 500 से नीचे होगा, जिसकी वजह से उसका स्टिकर रिप्लेसमेंट किया होगा। स्टिकर रिप्लेसमेंट की वजह से आपको सस्ता दे रहा है, क्योंकि जो पैनल 450 वाट का या 500 वाट का है वही पैनल वो 500 वाट का दे रहा है,
तो ऊपर वाले जो पैनल की प्राइस होगी उसको वो फायदा हो जाएगा, जिसकी वजह से वो पर वाट का रेट तो कम कर रहा है लेकिन वो स्टिकर रिप्लेसमेंट करके अपना फ़ायदा उठा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने खुद देखनी होती हैं, क्या ऐसा सिस्टम मार्केट के अंदर मौजूद है या नहीं, या आप लोग जो उनसे अपने इंस्टॉलर से मशवरा करके ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता जाऊँ, जिनको का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये जितने भी ब्रांड है मैं आपको आज बता रहा हूँ, ये सारे TR1 के अंदर आते हैं। आप इनमें से कोई भी सोलर पैनल परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर सारे मैं रेट जो बताऊंगा ये होलसेल रेट होंगे। इस जिनको का अगर रेट बताएं 545 वाट का, तो ये तकरीबन आपको 85 रुपीज पर वाट देखने को मिलेगा, जो कि पायलट रेट है। अगर आप लोग ये मार्केट के अंदर से ये भी परचेज करते हैं तो ये भी तकरीबन आपको 1, 2, 3, 4, 5 पीस अगर लोग परचेज करते हैं तो ये जो से आपको परचेज करते वक्त जो रेट मिलेगा ये तकरीबन होगा 87, 88, 89 रुपीज़ पर वार देखने को मिलेगा। समझ लें, अगर कोई इससे नीचे देता है तो उसका आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं इनवरेक्स की। तो इनवरेक्स के यहाँ पर मैं आपको 3 मॉडल बताऊंगा जो कि आप लोग खुद वाकिफ होंगे। एक मॉडल इसके अंदर है एन टाइप, और दूसरा जो सा आम रेगुलर जो सा चलता है वो है, और तीसरा मॉडल मैं आपको बताऊंगा जो कि 180 वाट के अंदर आता है। ये अगर बात करें सबसे 180 वाट वाले सोलर पैनल की, तो ये पैनल जो सा आपको होलसेल पे मिल रहा है ये 19,500 रुपये का मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, बास टाइम जो दुकानदार होता है वो रेट से रेट भी आपको दे देता है, क्योंकि उन्होंने क्वांटिटी के हिसाब से देखना होता है, उन्होंने ये देखना होता है हमारे पास स्टॉक कितना पड़ा है, उस हिसाब से उन्होंने अपना रेट जो सा दे के दे देना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, दूसरा जो मॉडल है जो एन टाइप है उसकी अगर प्राइस की बात करें तो वो आपको जो मिलेगा वो तकरीबन 90 रुपये पर वाट देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर तीसरा इसका जो मॉडल है उसकी अगर देखें तो उसकी प्राइस जो सी आपको मिलेगी वो तकरीबन 86-87 रुपीज़ पर वाट देखने को मिलेगा पायलट रेट। इसके अलावा अगर मैं आपको बताता जाऊँ, ये तो हो गया इनवरेक्स का। इसके बाद बात कर लेते हैं ट्रीना सोलर। ट्रीना सोलर की अगर बात करें, ट्रीना सोलर का जो सा 570 वाट का जो सा सोलर पैनल आता है, अगर आप लोग इसकी प्राइस की बात करते हैं जो कि मार्केट से आपको पर वाट रेट मिलेगा ये तकरीबन 86 रुपीज़ पर वाट देखने को मिलेगा। तो आप लोग अगर इस पैनल की जो से आप प्राइस देखते हैं तो आप खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि ये इसका इतना नाम भी नहीं है लेकिन ये पैनल अच्छा है, TR1 के अंदर आता है। आप लोग ये भी पैनल परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। इसकी प्राइस आपको 86 रुपीज़ पर वाट देखने को मिल रही है, तो आप लोग जो से लोंजी का पैनल कैसे 70 रुपये पर वाट आपको मिल सकता है। तो इसके बाद बात कर लेते हैं राइजन सोलर की। तो राइजन सोलर जो सा मैं आपको बताता जाऊं, यहां पर आपको मैं ये बताता हूं सबसे अगर कम प्राइस में अगर देखा जाए तो ये आपको जितने भी आज मैंने सोलर पैनल बताए हैं तो इनमें से सबसे सस्ता जो सोलर पैनल है वो यही है राइजन सोलर। अगर आप लोग ये पैलेट रेल लेते हैं तो ये आपको तकरीबन 82 रुपीज़ पर वाट देखने को मिलेगा। आज की वीडियो के अंदर जितने भी मैंने आपको पैनल बताए हैं ये सारे के सारे आपको पता है 80 रुपये से ऊपर ही बताए हैं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं हमें 65 रुपये पर वाट मिल रहा है या 70 रुपये मिल रहा है, 75 रुपये मिल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको वो ओरिजिनल का रेट मिलता होगा। हाँ, जो लोग खुद जिनकी परचेजिंग है डायरेक्ट वो कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन वो भी तकरीबन 70 रुपये पर वार तक, 65 रुपये पर वार तक वो भी नहीं दे सकते। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।